मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं। श्री कृष्णायन गौ रक्षा शाला के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। गेंडीखाता में गोपाष्टमी पर आयोजित हुआ है कार्यक्रम। सीएम ने गौमूत्र संवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया। सोलर ऊर्जा पर आधारित है ये गौमूत्र संवर्धन प्लांट। सीएम के साथ स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। मंत्री रेखा आर्या, स्वामी यतीश्वरानंद भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आशीष हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, मुख्यमंत्री का ये दौरा और ये प्लांट कितना महत्वपूर्ण है? हमारे संवाददाता आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कृष्णायन गौ रक्षा शाला के कार्यक्रम में शिरकत करते दिखे हैं, के साथ उनके कैबिनेट के साथी भी मौजूद थे। गेंडीखाता में गोपाष्टमी पर आयोजित हुआ है ये कार्यक्रम। गौमूत्र संवर्धन प्लांट का उद्घाटन भी किया है। आशीष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, कितना महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का ये? बिल्कुल, देखिए विकास, आज पूरे प्रदेश पूरे देश में गोपाष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी मौके पर यहाँ पर श्यामपुर स्थित जो श्री कृष्णायन गौशाला है, यहाँ पर हजारों की संख्या में देसी गाय बकायदा यहाँ पर रखी गई है। और आज खुद मुख्यमंत्री अपनी तमाम कैबिनेट के साथियों के साथ बकायदा यहाँ पर गोपाष्टमी के पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। यहीं पर उन्होंने बकायदा जो गोमूत्र संवर्धन प्लांट है इसका बकायदा यहाँ पर उद्घाटन किया है। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार जो गायों की जो रक्षा है, गो रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए जो भी हाल ही में जो है कुमाऊं में उधम सिंह नगर और हरिद्वार में और इधर गढ़वाल में हरिद्वार में बकायदा एक अलग से एक टीम का भी गठन किया गया है, जिससे कम से कम जो गोकष्टी की घटनाएं उन पर रोक लगाई जा सके। और इसी के तहत जो आज उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर बकायदा गो संवर्धन प्लांट है इसका उद्घाटन किया और कहा कि पूरे प्रदेश में जगह जगह इस तरह के जो प्लांट हैं वो स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री का जो आज दौरा है, क्योंकि आज गोपाष्टमी है, आज क्या आशीष प्रदेश के दूसरे जगहों पर इस तरीके की गौशालाएं दिखेंगी, गोरक्षाशाला? बिल्कुल, देखिए खुद सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश की तमाम जगह है जहाँ पर पहले से गौशाला स्थापित है वहाँ पर इस तरह के जो गो संवर्धन प्लांट है जो कि सोलर ऊर्जा पर कार्य करते हैं इनको स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम जो गौशालाएं हैं जो कि जीर्ण हालात में हैं उनके उनको कम से कम रख रखाव के लिए भी प्रदेश सरकार आगे आएगी। और जो गौशालाओं के जो बकायदे संचालक हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। विकास, शुक्रिया आशीष मिश्रा आपका जानकारी के लिए। और अल्मोड़ा से भी बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थोड़ी देर में पहुंचेंगे। द्वाराहाट महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। 45 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पहली बार द्वाराहाट पहुंच रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद। विधायक महेश नेगी, सुरेंद्र सिंह चीना भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। महोत्सव में आयोजित हो रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम। अमित हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, द्वाराहाट मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जो लोगों को मिलने जा रही हैं? यहाँ पर विकास जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का जो है इस बार का ये पहला दौरा द्वाराहाट का यहाँ पर है। अभी थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर जो मेले का जो है उसमें शिरकत करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो है 45 करीब योजनाएं जो है सरकारी योजनाओं का यहाँ पर सीएम उसका शिलान्यास करेंगे, जिसमें पानी की और जो है की योजना को लेकर जो है काफी जो है सड़कों को भी लेकर जो है कई तरह की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण भी यहाँ पर होना है। जहाँ इस बार जो पहली बार मुख्यमंत्री जो यहाँ दौरा आ रहे थे उसमें जनताओं में काफी खुशी देखने लग मिल रही है और कहीं ना कहीं उम्मीद है लोगों को कि इस बार पहले दौरे में यहाँ की जनता के लिए जो है सीएम कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, सौगात मिलेगी। शुक्रिया अमित आपका जानकारी के लिए। बरतानिया सरकार ने देश के हर नागरिक को एक अलग पहचान देने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार कार्ड की योजना निकाली थी, लेकिन इन आधार को बनाने वाली कंपनियों ने मोटा पैसा लेने के बावजूद सरकार की इस योजना पर जमकर पलीता लगाया है और हट चुके हैं। ताजा मामला हरिद्वार के श्यामपुर स्थित वन गुर्जर बस्ती गेंडीखाता का है, जहां रहने वाले 800 से अधिक परिवारों के आधार कार्ड में एक ही जन्मतिथि लिखी है, जिसमें ये परिवार आधार में हुई इस गड़बड़ी से परेशान है। हालांकि आधार कार्ड में पकड़ी गई इतनी बड़ी लापरवाही पर जब एसडीएम से पूछा गया तो उनका कहना है कि उनके संज्ञान में ये बात आज आई है और इसकी जांच वो कराएंगे। 800 फैमिलीज रहती हैं और सबकी जन्म तारीख जो है वो 1 जनवरी ही है, किसी को 1980 किसी को 1948, लेकिन बदली नहीं है ये तारीख, 1 जनवरी ही रहे, यानी कि सभी 1 जनवरी को ही यहां पैदा हुए हैं। ये इतनी बड़ी लापरवाही थी जिसको लेकर एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लिया है।
इसमें जो है हमारे मोबाइल फोन को लिंक करवाना पड़ता है और हमें बैंक में कोई अपने खाते खुलाने पड़ते हैं उसमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और एक तारीख से जो है हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, उसमें छोटे बच्चे बड़े जवान बुजुर्ग सबकी डेट ऑफ बर्थ एक ही बताई गई है, उसमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमें अपने कोई काम के लिए कोई किसी चीज़ के लिए अपना खाता खुलवाना पड़ता है, उसके लिए भी उसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सभी को एक दिन, सभी की पैदाइश जो है एक ही तारीख दिखा दी है, उन्होंने कुछ भी इसमें तब्दीली या उसमें नहीं किया। आने वाले टाइम पे जो है हम लोगों को परेशानी हो सकती है, ये घोर लापरवाही है, इसे दुरुस्त कर लिया जाए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी इस तरह की गड़बड़ियां हैं वो स्वतः पकड़ में आ जाएंगी, और इसीलिए तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति गलत बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, गफलत में भी हो सकता है, लेकिन जो तकनीक है, जो मशीनें हैं, वो सही बोलती है। आशीष हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, ये तो समाचार प्लस ने तस्वीरें रखी, एसडीएम जागे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे और अभी तक किसी की नजर क्यों नहीं गई थी? बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर मामला है। खुद केंद्र सरकार बकायदा तमाम योजनाओं में आधार कार्ड के जरूरी होने की बात कहती है, आधार कार्ड को लेकर बड़ा एक बकायदा मूवमेंट पूरे देश भर में चलता है। वहीं दूसरी ओर इतना बड़ा आधार कार्ड ऐसी महत्वपूर्ण जो योजना है केंद्र सरकार की, उसके साथ मजाक पूरी तरह देखने को मिला है। इसके बाद कहना कि प्रशासन अब जाकर जरूर जागा है, और खुद डीएम दीपक रावत बकायदा मौके पर पहुंचे हैं, और जो आधार कार्ड सेंटर जहां से बकायदा ये 800 ये जो आधार कार्ड थे जिन पर एक ही बकायदा 1 जनवरी की जन्मतिथि बकायदा अंकित की गई थी, उसको बकायदा यहाँ पर सील करने की कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो सील करने की कार्रवाई है वो शैमपुर में लगातार जारी है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बात की पूछताछ हो रही कि आखिर की इतना बड़ा घालमेल हुआ क्यों, और जो प्रथम जो बकायदा भी जो समाचार पत्र जो सूत्र बता रहे हैं कि जो एक गुजर थे इनको बकायदा जंगलों के अंदर से बकायदा यहाँ पर गुजर बस्ती में बसाया गया था, और इसमें काफी कुछ जो है राज्य सरकार के माध्यम से बकायदा इसमें सहायता राशि भी उनको मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कोई ना कोई झलमे की बात जो है अभी तक सामने आ रही है। हालांकि क्या कुछ होता है, क्योंकि खुद डीएम दीपक रावत मौके पर पहुंचे हैं और सभी पहलुओं पर बकायदा जो है पूरी तरह से जांच यहाँ पर जारी है। फिलहाल जो है आधार कार्ड जो सेंटर है जहाँ से 800 आधार कार्ड बने थे उसको सील कर दिया गया है विकास। और आशीष, बड़ी बात ये कि ऐसा लगता है कि ये एक जगह ऑफिस में बैठ करके सब डिसाइड कर लिया गया, सबके आधार कार्ड बना दिए गए, कोई वहां पहुंचा नहीं, किसी के कोई थंब इंप्रेशन नहीं लिए गए, ये बड़ी लापरवाही, और इसकी जांच भी बहुत तय तक होनी चाहिए, लोग ये मांग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, खुद लोग कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब वो खुद अपने आधार कार्ड तमाम जगह जाते हैं, चाहे वो इवन अगर सिम अलॉट कराने भी जाते हैं, नया मोबाइल लेने जाते हैं, तो भी उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिनमें बकायदा आधार कार्ड अब जरूरी कर दिया गया है, बैंक से लेकर तमाम चीजें, तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो खुद समझ रहे हैं। हालांकि लोग जरूर वहां के अनपढ़ हैं, क्योंकि ये लोग बकायदा जंगलों में रहते थे, उनको हटाकर यहाँ पर बकायदा शिफ्ट किया गया था, इस गुजर बस्ती में बकायदा बनाई गई थी। कहने के लोग जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था, और अब उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लोग भी कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे अधिकारियों के पास जाएंगे और इस बात की शिकायत की जाएगी पूरी तरह से। जी विकास, शुक्रिया आशीष मिश्रा आपका इस बातचीत के लिए। गड़बड़ छाले का ये आधार कार्ड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी की नजर भी नहीं गई थी। देहरादून से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य विभाग में तबादला सूची जारी हो गई है, ड्रग विभाग में भी आधा दर्जन तबादले। गौरव सिंह पौड़ी से हरिद्वार के बनाए गए हैं एसआईटी, एसएस भंडारी को मुख्यालय से एसआईटी नैनीताल, हेमंत नेगी को नैनीताल से उधम सिंह नगर एसआईटी, और सुधीर कुमार को पौड़ी से उधम सिंह नगर निरीक्षक इसके अलावा बनाया गया है। नीरज कुमार को हरिद्वार, साथ ही देहरादून के ड्रग निरीक्षक, चंद्र प्रकाश नेगी टीरी से पौड़ी के ड्रग निरीक्षक बने हैं, और इसी तरह मीनाक्षी बिस्ट अल्मोड़ा से नैनीताल के ड्रग निरीक्षक बनाए गए हैं। गौरव भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये रूटीन ट्रांसफर कह सकते हैं या इस पीछे इस कुछ और है? देखिए, लंबे समय से विभाग में मठाधीश बने ये इंस्पेक्टरों का इस समय तबादला किया गया है। शासन ने जो चाबुक चलाया है उससे साफ हो गया है कि शासन भी नहीं चाहता है कि जो लंबे समय से इंस्पेक्टर अपनी मठाधीशी जो जनपदों में दिखा रहे थे उनको देखा जाए। लगातार जो शिकायतें भी मिलती रही हैं कि इंस्पेक्टर मनमानी करते थे, अपने जो है ऑफिसों में नहीं बैठते थे, जिसके चलते जो इतनी बड़ी कार्रवाई इस बार। तो स्वास्थ्य विभाग में तबादला सूची जारी की गई है, और ये कहा गया है कि जो लोग कई साल से जमे हुए थे और
लगातार उनकी शिकायतें भी मिल रही थी और उसको लेकर के चूंकि ट्रांसफर इनके हुए नहीं थे और ऐसे में ये बड़ा स्टेप लिया गया ट्रांसफर के तौर पर। शुक्रिया सौरभ आपका इस बातचीत के। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित करने के फैसले का स्वागत किया है। अजय भट्ट का कहना है कि सत्र होने से विधान भवन निर्माण के काम में भी तेजी आएगी और क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का भी विकास होगा। अजय भट्ट ने कहा कि सत्र कराने से साफ है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के वायदे पर बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है। हर बार कांग्रेस की सरकार टालते गई, हमने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में इस बात को दर्ज किया है कि हम लोग यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में उसकी शुरुआत के बतौर हम लोगों ने वहाँ पर एक सत्र करने का निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने सत्र करने का निर्णय लिया है ताकि कामों में और तेजी आए और वहाँ के लिए कुछ धनराशि भी अवमुक्त की है और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि जो हमने कहा है उसको हर हालत में 5 सालों की अवधि में सरकार पूरा करना चाहती है। सूबे के नवनिर्वाचित विधायकों को संसदीय परंपरा, उनके अधिकारों और कर्तव्यों से रूबरू कराने के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन विधायकों की उदासीनता से यह आयोजन अपनी उपयोगिता पूरी करता नहीं दिखा है। फ्लॉप हो गया प्रबोधन कार्यक्रम, विधायकों की बेरुखी से विशेषज्ञ निराश। पहले दिन 70 में से 33 विधायक कार्यक्रम में पहुंचे, दूसरे दिन 13 तक सिमट कर रह गए आंकड़े। नई विधानसभा के सदस्यों को विधायी जानकारी देने के लिए विधानसभा प्रशासन द्वारा प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें पहली बार चुनकर आए विधायकों के साथ ही सभी विधायकों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे वो विशेषज्ञों से जानकारी लेने के साथ ही और दूसरे राज्यों के अनुभव से भी दो चार हो सके। इसी परंपरा के तहत देहरादून में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा के पूर्व महासचिव जीसी मल्होत्रा ने जहां विधायकों को विधानसभा नियमावली और संविधान की बारीकियां समझाई, तो वहीं यूपी विधानसभा से आए एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा और पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने विधायिका के अधिकारों और कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। विशेषज्ञों ने तो अहम जानकारियां दी, लेकिन इसे ग्रहण करने के लिए विधायक उदासीन दिखे। पहले दिन तो सत्रों में आते जाते किसी तरह 70 में से 33 विधायक आए, लेकिन दूसरे दिन के टेक्निकल सत्रों में ये संख्या 13 तक सिमट कर रह गई। पहली बार चुनकर आए 21 विधायकों में से भी कई प्रबोधन कार्यक्रम में नहीं आए। ऐसे में विधायक बेहतर जनप्रतिनिधि बनने के लिए कितने गंभीर हैं, ये साफ हो गया। वो भी नवोदित राज्य के विधायक जिन पर ब्यूरोक्रेसी के हावी होने का आरोप लगता रहता है और सदन में भी अपने क्षेत्र के सवाल उठाने में जिनकी चुप्पी बनी रहती है। ऐसे में कार्यक्रम में आए विशेषज्ञों ने इसे सही नहीं बताया। लोगों के अनुभव से सीखना चाहते हैं, जिनमें ये जिज्ञासा होती है तो वही आमतौर से ऐसे उसमें अटेंड करते हैं। ये एकेडमिक मामले हैं तो एकेडमिक मामलों में सबकी रुचि नहीं हो सकती है, सबसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है वो एकेडमिक पर प्रकरणों पर आया है। कि मैं समझ रहा हूँ कि ये एक अच्छी परिस्थिति तो नहीं थी कि अगर विधायक इस प्रबोधन कार्यक्रम के प्रति भी और विधानसभा के सचिवालय के द्वारा माननीय अध्यक्ष द्वारा किए गए इस प्रयास के प्रति इतने गंभीर हैं तो उचित नहीं। कार्यक्रम में आए विधायकों ने भी माना सभी विधायकों को ऐसे आयोजन का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। निश्चित तौर पर जब भी कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि एक तो ये बार बार नहीं होते हैं, पूरे 5 साल में मैं समझता हूँ एक बार ही होता है जब एक कार्यकाल एक विधायक का शुरू होता है, तो ऐसे कार्यक्रमों का लाभ लेना चाहिए। सीखना है तो आना चाहिए, हम तो कोई नहीं था तब भी आते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नई भी बात सीखते हैं और जीवन भर सीखा जाता है। और संसदीय कार्य प्रणाली ऐसी है, जो सदन में संसद में रहिए या विधानसभा में रहिए, कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो विधायक कार्यक्रम को लेकर इतने उदासीन दिखे वो जनता के लिए क्या करेंगे। विधायकों को निखरने के लिहाज से प्रबोधन कार्यक्रम काफी अहम होता है, लेकिन सूबे के विधायक इसे लेकर उदासीन ही नजर आए हैं। और जब विधायकों को ज्ञान लेना ही नहीं तो फिर उनसे विधायिका की स्थिति में कोई सुधार करने की उम्मीद भी कैसे की जाए। कैमरामैन रूपेश के साथ में प्रशांत राय। और उधर पर्यटन के क्षेत्र में सरकार नए
हेली प्रयोग करने जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल बाराज का कहना है कि बेहतर हेली सेवा पर्यटकों को आकर्षित करने में मददगार साबित होगी। सतपाल बाराज के मुताबिक इस विषय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बातचीत हुई है। जनवरी में औली में बड़ा आयोजन करने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत गोलीग्राम से ही हेली सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी है। जिसे भी आग्रह किया है कि जो लोग विदेशों से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट में ही उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो उतर करके और वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ कर सीधे औली पहुँचे। और ये भी उनसे आग्रह किया है कि उनका सामान अगर ज़्यादा वजनी होता है, 20 किलो 15 किलो का है, तो किसी उत्तराखंड पोर्टर सर्विस को, जो ले जाने वाली सर्विस होती हैं, उनको हैंड ओवर कर देंगे। राज्य सरकार की कई बार फजीहत करा चुके आबकारी महकमे के अधिकारियों पर अब आबकारी मंत्री का हंटर चलने वाला है। लंबे समय से आबकारी विभाग में मठाधीशी कर रहे आबकारी अधिकारियों के जल्द तबादले किए जाएंगे। आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने खुद माना है कि आबकारी महकमे में बदलाव की आवश्यकता सरकार बनने के बाद ही थी, लेकिन आबकारी नीति और सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन के दृष्टिगत बदलाव नहीं हो पाया है। आबकारी अधिकारी तो शुरू में इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन फेज था, नई सरकार गठित हुई थी, हमारी पॉलिसी नहीं आ पाई थी क्योंकि हमने पिछली ही पॉलिसी को एक्सटेंड किया था। उसके बाद दो महीने के पश्चात हमारी पॉलिसी आई, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के चलते हुए कठिनाई हुई थी। अब स्थितियाँ ठीक हुई, अब हम इन्फोर्समेंट को विधिवत कर रहे हैं, कैसे हम क्षेत्र अधिकार बांटेंगे। बढ़ते आगे, मसूरी में चल रहे शरदोत्सव के तीसरे दिन शरदोत्सव की नाइट बॉलीवुड सिंगर दिलबाग सिंह के नाम रही। दिलबाग सिंह के गानों पर स्थानीय निवासी और सैलानी झूम उठे। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने कहा कि उन्होंने भी अपना सफर मसूरी शरदोत्सव से ही शुरू किया था। उन्हें बहुत खुशी है कि उन्हें एक बार फिर शरदोत्सव में आने का मौका मिला। जब मैं आया था तो बड़ा घबराया हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि वो शो ने लाइफ में बहुत काम किया। एक बॉलीवुड में मैंने डेब्यू किया, फिल्म का नाम है शादी तेरी बजाएंगे हम बैंड, उसमें मैंने डेब्यू किया। मैं राजपाल यादव और बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ। एक मूवी और नवम्बर में रिलीज हो रही है, उसका नाम है शादी अभी बाकी है, उसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया पंजाबी एमए नचनगे। उसमें संजय मिश्रा, प्रेम चोपड़ा जी और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, मानसी डब्बवाल है वहाँ की, एक बॉम्बे की बड़ी हीरोइन, वो भी उसमें। तो ये सारा जो है, ये सभी मुझे लगता है कि ये जो मसूरी से आप लोगों ने आशीर्वाद देकर शुरू कराया था, उसी का सारा आशीर्वाद।